नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। सीएम शिवराज को लोग ऐसे ही मामा नहीं कहते। शिवराज अगर जनता के लाडले हैं तो जनता को वो भी सम्मान देते हैं, और जनता का सम्मान ऐसा जो आपने किसी दूसरे सीएम को करते हुए कभी नहीं देखा होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि शिवराज एक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद निकल रहे थे, तभी एक बुजुर्ग सीएम को आवेदन देने उनके कार के पास पहुंचा, लेकिन सुरक्षा में तैनात एसपी ने उन्हें धक्का देकर सीएम की कार से दूर कर दिया। लेकिन एसपी साहब ने बुजुर्ग को धक्का इतनी तेजी से मारा कि बेचारे जमीन पर जा गिरे, जिसके बाद इस बुजुर्ग को पास में खड़े पुलिस कर्मियों ने सहारा देकर उठाया। एसपी साहब ने जो हरकत की उसको देखने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद सीएम शिवराज ने ऐसा कुछ किया जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। सीएम शिवराज ने जैसे ही देखा कि एक बुजुर्ग उनकी गाड़ी के पास गिर पड़ा है, वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतर पड़े और खुद बुजुर्ग से मिलने पहुंच गए। इसके बाद बुजुर्ग सीएम को अपना आवेदन देता है और उनसे अपना दर्द साझा करता है। इसी दौरान सीएम को कार से उतरता देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और लोग सीएम के साथ सेल्फी लेने को उतारू हो गए। इस बीच वहां पर मौजूद लगभग सभी लोगों के आवेदन लेकर सीएम अपनी कार में बैठ गए। इसके अलावा इसी जगह से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला ट्यूशन फीस के विरोध में सीएम को आवेदन देने आई थी, लेकिन वो सीएम से नहीं मिल पाई, जिसके बाद वहां पर मौजूद सीएसपी पल्लवी शुक्ला उनको समझाते हुए नजर आई। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जैन के कालिदास अकादमी के बाहर का है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी गलत फहमी, आपकी इतनी टाइम से गलत फहमी चल रही। मैडम आप चलिए, मेरा मोबाइल नहीं देना चाहिए, आपको घर देना चाहिए। आपके पापा के पास उठा लिया, आप चलिए। और आप प्लीज मेरा मोबाइल मंगा दीजिए, आ जाएगा आपको। लेकिन आपको इस तरह से गालियां मत दीजिए, आप रेपुटेड घर की आप गालियां मत दीजिए। मैडम आपने ये तरीका है, आपको कोई साइन नहीं बताया, किसी ने कुछ साइन नहीं बताया, आपकी गलत फहमी है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, मेरा मोबाइल मंगा दीजिए। मैं चल चल मोबाइल तुम्हारी मम्मी लेके आ जाएगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज तीन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के साथ उज्जैन पहुंचे थे, जिसमें सीएम ने सबसे पहले उज्जैन आलोट लोकसभा सीट के दिव्यांगों को बैटरी चलाने वाले साइकिल भेंट की, जिसके बाद सीएम शिवराज महाकालेश्वर विस्तारीकरण में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्शन को देखने पहुंचे। फिलहाल सीएम शिवराज अपने इसी तरह के अंदाज की वजह से इतने लोकप्रिय नेता बने हैं और 4 बार सूबे के मुखिया। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। खबर पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।